मैंने इस्लाम कबूल किया, मुझे जो सच्चाई नजर आई वही मैंने इस्लाम किया। ऐसा क्या था कि आपने इस्लाम कबूल किया? मैं हालातों ने कबूल किया, क्योंकि मुझे अपनों से परेशानी थी, मुझे मेरे अपनों ने इतना टॉर्चर दिया कि मैंने उनकी जात और उनका सब कुछ उन्हें वापस ले दिया, मैंने एक नहीं पहचाना। ऐसे क्या हालात हो गए थे कि हिंदू छोड़ करके आप मुस्लिम समुदाय में शामिल हो? इसलिए क्योंकि जिस धर्म में कोई रिश्ते की अहमियत नहीं है, कोई मानवता नहीं है, सब दानवता में जुटे हुए, तो उस धर्म को मैं क्यों मानूं? मैं इस्लाम अपने सच्चाई रास्ते पे चल रहा हूँ। सच्चाई रास्ते पे चलने के मुझे तरह तरह की कठिनाइयों का सामना मुझे और मेरे परिवार को करना पड़ रहा है। आपने कब से आपको ऐसा कब से कर रहे हैं? एक साल हो गए जब से पिछली सरकार चली गई और नई सरकार बनी, तब से ज्यादातर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। कौन परेशान करता है? ये परेशान करने वाले रिपोर्ट भी है हमारे पास, से हमने पुलिस को रिपोर्ट भी किया यहाँ से लगा के, और हमने मानवाधिकार तक फैक्स किया। उन फैक्सों का वो कोई मतलब हमको नहीं मिला, ना उनका कोई फायदा मिला, और पता नहीं यहाँ तक वेरिफिकेशन आता है, उस वेरिफिकेशन में पुलिस वाले क्या लिख के भेज देते हैं, हमको उनसे मदद नहीं मिलती, और बस बाद में और तरह तरह की परेशानियां इन लोगों से आती है। क्या आपने स्वेच्छा से आपने ये कबूल कर रहे हैं कि आखिर किसी के दबाव से? ना हम किसी के दबाव पे कर रहे हैं, हम सच्चाई रास्ते पे चल रहे हैं। जो सच्चा है उस सच्चाई को पकड़ रहे हैं, जो हमें दिख रहा हम उस दुनियावी चीजों पे मैं नहीं चल रहा, मैं अपनी चीजों पे चल रहा हूँ। मैं मुझे जो दिख रहा मैं उसको सच्चाई मानता हूँ और कुछ नहीं। ऐसा रास्ता कैसे आपने अपनाया? मैं इन देवी देवताओं के पास पहले पूजा अर्चना करता था, ये यहाँ पे कोई सच्चाई नहीं जब मुझे मिली, तो मैंने सच्चाई जहाँ पे देखा और जहाँ पे दीदार हुए जिन बुजुर्गों के, उन बुजुर्गों के दीदार होने पे मैं सच्चाई रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं और कहीं कुछ कहाँ पे दीदार हुए थे उन बुजुर्गों के? मुझे दीदार हुए तपे साहब बाबा बुजुर्ग के दीदार हुए, वहाँ मैंने 27 महीने अनाज नहीं खाया और 27 महीने मैंने अनुष्ठान जिक्र किया। उस जिक्र का मुझे नजारा जो देखने को मिला वही नजारे पे मैं चल रहा हूँ। मैं दुनिया पे नहीं चल रहा, ना मुझे दुनिया से कोई मतलब है, पर ये बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मुकर के मुझे इनके लिए आना पड़ता। जब ये लोग परेशान करते और मुझे कानून कोई मदद मेरे बच्चों की नहीं कर रहा, जब बच्चों को छेड़ते ये लोग तब मुझे आना पड़ता, नहीं मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैंने संन्यास जैसे ले लिया है, संन्यास अर्थ